हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन क्रेजी डॉक्टर लाबर के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक खुद को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नेक्स्ट डे तैयंग हॉस्पिटल के अथॉरिटी से कहता है जोंगकुक अब पूरी तरह से ठीक है और अब हम उसे घर जाने दे सकते हैं। वो कल ही हॉस्पिटल से जा सकता है। ये कहकर तैयंग हॉस्पिटल से निकल जाता है। तैयंग हॉस्पिटल से बाहर आकर कार के अंदर बैठ गया। तैयंग फ़ोन चेक करते हुए ड्राइवर से कहता है तुम्हें परसों सार को हॉस्पिटल से पिक करना है और उसके बाद तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है, राइट? ड्राइवर कहता है यस सर। तैयंग कार की विंडो से बाहर झांकते हुए स्माइल करता है। तैयंग अपने मेंशन में आ जाता है। तैयंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आते ही फ़ोन की घंटी बजने लगता है। तैयंग टावल से हेयर्स ड्राई करते हुए टेबल के ऊपर से फ़ोन हाथ में लेकर डॉक्टर युंगी का फ़ोन नंबर देखकर कॉल रिसीव करके कहता है हेलो। युंगी कहता है डॉक्टर तैयंग सब कुछ ठीक तो है ना? तैयंग टावल बेड पर फेंक कर चलकर काउच पर आकर बैठ जाता है। तैयंग अपने डीप वॉइस में कहता है युंग अभी हम हॉस्पिटल में नहीं हैं तो आपको मुझे डॉक्टर तैयंग कहकर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। युंगी कहता है तुम जो कर रहे हो क्या ये ठीक है तैयंग? तैयंग वो बीमार है, तुम्हें उसे ठीक करना चाहिए। तैयंग कहता है नहीं, वो ठीक नहीं होगा। अगर वो ठीक हो गया तो आपको पता भी नहीं वो क्या करेगा। मैं उसे किसी और के होते हुए नहीं देख सकता। युंगी कहता है तैयंग लेकिन एक कैसा प्यार है, इस तरह वो मर सकता है, तुम्हें देख नहीं रहा है? जोंगकुक दिन ब दिन एक बच्चे जैसा होता जा रहा है। तैयंग कहता है यू डोंट वरी ह्योंग, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। जब मेरे हाथ में पावर है तो मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करूंगा ह्योंग। अपने प्यार को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। युंगी कहता है तो तुम उसे अपने साथ लेकर जा रहे हो? तैयंग कहता है युंगी कहता है अच्छा ये तो बता दो तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तैयंग कहता है इट्स अ सीक्रेट ह्योंग। ये कहकर तैयंग कॉल कट कर देता है। तैयंग घंटों तक उस कमरे में बैठा रहता है जहाँ की दीवारों पर सिर्फ जोंगकुक के तस्वीर लगे थे। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के स्टाफ आकर जोंगकुक से कहता है डॉक्टर किम तुम्हें लेने के लिए कार के साथ ड्राइवर भेजा है, बाहर कार इंतज़ार कर रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, उसे अब हॉस्पिटल में और नहीं रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ जोंगकुक के सामान पैक करने में हेल्प कर देता है। जोंगकुक पेशेंट की यूनिफॉर्म चेंज कर एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन लेता है। जोंगकुक कमरे से बाहर आकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। जोंगकुक नर्स जेनी से पूछता है डॉक्टर तैयंग कहाँ है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, मैं जा रहा हूँ। जेनी कहती है डॉक्टर तैयंग के पास तुम्हारे देखभाल करने के अलावा और भी कई काम है, जल्दी से जाओ। जोंगकुक हॉस्पिटल से बाहर आते ही ड्राइवर कार से बाहर आकर जोंगकुक के सामने सिर झुकाकर कहता है सर मैं आपको लेने आया हूँ। ये कहकर ड्राइवर कार की डोर ओपन कर देता है। जोंगकुक कार में बैठकर ड्राइवर से कार की विंडो ओपन करने के लिए कहता है। ड्राइवर अंकल प्लीज़ इसे खोल दो। ड्राइवर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। जोंगकुक कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर कहता है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा सर। जोंगकुक कहता है ओके। ड्राइवर शांति से कार ड्राइव करने लगता है। कुछ ही देर में ड्राइवर कार एक आलीशान घर के बाहर आकर खड़ा करता है। ड्राइवर कार से निकल कर जोंगकुक के लिए कार की डोर ओपन करके कहता है हम पहुँच गए सर। जोंगकुक कार से बाहर निकाल कर इतने बड़े घर को देखकर हैरानी से आंखें बड़ी कर लेता है। जोंगकुक चारों तरफ नज़रें घुमाकर कहता है ये किसका घर है अंकल? ड्राइवर कहता है ये मिस्टर किम का घर है। गार्ड कार से सामान निकाल कर अंदर ले जाने लगता है। जोंगकुक घर में एंटर कर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जोंगकुक के आँखें चमकने लगता है। जोंगकुक कहता है इतने बड़े घर में कोई नहीं रहता। ड्राइवर कहता है मिस्टर किम आता ही होगा। ये कहकर ड्राइवर वहाँ से चला गया।
जंगकुक सीढ़ियों से चलकर ऊपर बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। तैयंग हॉस्पिटल की ड्यूटी ख़त्म कर अपने प्राइवेट मेंशन जंगकुक से मिलने जाने के लिए निकल गया। कुछ ही टाइम में तैयंग अपने प्राइवेट मेंशन में आ जाता है। तैयंग के कार मेंशन में एंटर करते ही गार्ड कार की डोर ओपन कर देता है। तैयंग कार से निकल कर सूट ठीक कर लेता है। गार्ड तैयंग के सामने सिर झुका कर कहता है, वेलकम सर। तैयंग गार्ड के बातों पर नोट करता है। तैयंग कहता है, वेयर इज ही, जंगकुक कहाँ है? गार्ड कहता है, सर वो अपने कमरे में है। तैयंग कहता है, ठीक है तुम लोग जाकर बाहर गार्ड करो, मेरे परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आओगे। गार्ड तैयंग के बातों पर सिर हिलाकर बाहर मेन डोर के पास चला जाता है। तैयंग लंबे कदमों से चलकर लिविंग रूम के अंदर आकर अपना सामान लिविंग रूम के काउच पर छोड़कर बेडरूम की ओर जाने लगता है। तैयंग दरवाजे के हैंडल होल्ड कर इसे ट्विस्ट कर दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आ जाता है। तैयंग बेडरूम के अंदर एंटर करके कहता है, आई एम होम माई बेबी बॉय। वेयर आर यू? मैं घर आ गया हूँ बेबी बॉय, तुम कहाँ हो बेबी? जैसे ही तैयंग बेड पर बैठा उसके कानों में शावर की पानी की आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक को नहीं पता कि तैयंग कमरे के अंदर है। जंगकुक शावर लेकर बिना कपड़ों के कमर में सिर्फ टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। जंगकुक बाथरूम से बाहर आकर तैयंग को बेड पर बैठा हुआ देखता है। तैयंग बिस्तर पर बिना शर्ट के बैठा हुआ था। तैयंग जंगकुक के कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। तैयंग जंगकुक को सिर से लेकर पैरों तक घूरने के बाद अपने डीप वॉइस में कहता है, डार्लिंग यू लुक सो ब्यूटीफुल। जंगकुक तैयंग के हैंडसम फेस के तरफ देखकर बानी स्माइल करके कहता है, हेलो डॉक्टर। तैयंग का स्पर्श उसे अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा था। जंगकुक को तुअले में देखकर तैयंग के अंदर के जानवर जग चुका था। जंगकुक पागल हो रहा था। तैयंग जंगकुक के पीठ पर हाथ रगड़ते हुए कहता है, बेबी अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, चलो अभी हम कुछ करते हैं। जंगकुक कहता है, लेकिन डॉक्टर अभी हम क्या करेंगे? तैयंग कहता है, बेबी अभी हम जो करेंगे इससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। जंगकुक तैयंग की ओर उलझन से देखने लगता है। तैयंग कहता है, बेबी आर यू ऑल राइट? जंगकुक कहता है, डॉक्टर हम यहाँ क्या करेंगे? तैयंग एक हाथ जंगकुक के कमर पर रख लिया था। अचानक तैयंग का दिमाग घूम गया और वो जंगकुक के कमर से तुआले को हटा दिया। जंगकुक कहता है, डॉक्टर ऐसा मत करो ना, ये तुम क्या कर रहे हो? तैयंग कहता है, बेबी तुम्हें ये अच्छा लगेगा। तैयंग जंगकुक के लिए पूरी तरह पागल है। जंगकुक बार बार स्वीट वॉइस में तैयंग को उसके नाम से बुला रहा था, तेई। तैयंग अपना हाथ जंगकुक के दोनों जांघों के बीच में रखकर उसके चीज़ों को छूने लगता है। तैयंग कांपती हुई आवाज़ में कहता है, डॉक्टर ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है। तैयंग कहता है, क्यों? अब तुम्हें पता चला? जब तुम मुझे अपने ब्यूटी से मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हो तब मुझ पर क्या बीतती है? जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया डॉक्टर, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं रो दूंगा। तैयंग झुककर जंगकुक के होठों पर चूम लेता है। जंगकुक हल्के से करा उठता है। तैयंग उसे बिस्तर पर गिरा देता है और उसके बाद जंगकुक के बिना कपड़े के शरीर को अच्छे से देखने लगता है। जंगकुक के सफ़ेद मुलायम शरीर को देखकर खुद को और नियंत्रण नहीं रख पाता है। तैयंग जंगकुक के नरम शरीर पर हाथ फिराते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी इजी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहकर तैयंग उसे बिस्तर से ज़ोर से दबाया और झुककर उसके होठों पर होठ रख दिया। तैयंग उसे ऐसे चुम रहा था जैसे इसका कोई कल ही ना हो। जंगकुक को अब अपने नीचे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। जंगकुक इन सब चीज़ों के बीच में ही करा उठता है।
यंग उसके मुंह में अपना जीभ डालकर उसके जीभ के साथ खेलने और उसे लॉलीपॉप की तरह खाने लगता है। तयंग अपनी उंगलियों से लगातार जोंगकुक के गर्दन के पीछे सहला रहा था, क्योंकि तयंग को पता था जोंगकुक के शरीर में अगर कोई कमज़ोर हिस्सा है जिसे छूते ही जोंगकुक तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसलिए तयंग गर्दनों की चारों ओर उंगली से सहलाना शुरू कर दिया था। बाई एनी चांस जोंगकुक को अच्छा महसूस हो रहा था। 5 मिनट के बाद तयंग उसे छोड़ देता है। दोनों के सांसें तेज चल रहे थे। तयंग कहता है, बेबी बॉय आई होप तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। जोंगकुक कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया डॉक्टर, ये तो गलत है ना। तयंग कहता है, नो बेबी, अपने प्यार को चुमना गलत नहीं है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सॉरी लव, लेकिन अब मैं इसे और नहीं रोक सकता। जोंगकुक कन्फ्यूजली पूछता है, तुम क्या रोक रहे हो। तयंग जोंगकुक के माथे को चूमते हुए कहता है, माय लव, आज मैं तुमसे प्यार करूँगा। मैं अपने शरीर से तुम्हें पहले से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। बेबी, क्या तुम्हें मेरा शरीर पसंद है। जोंगकुक अपने बड़ी बड़ी आँखों से तयंग को ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद शर्माते हुए कहता है, यू आर वेरी हैंडसम। तयंग कहता है, बेबी मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। जोंगकुक कहता है, सच में तेई तेई। तयंग उसे फिर से बिस्तर पर लेटाकर उसके होठों को गीला करने के बाद इसे चूसना शुरू कर देता है। जोंगकुक तयंग के मुंह में ही हल्के हल्के आवाज़ें करने लगता है। तयंग कहता है, बेबी अपना मुंह खोलो। जोंगकुक शांत था। तयंग अचानक जोंगकुक के कमर को ज़ोर से दबा देता है, जिससे जोंगकुक अपना मुंह खोल देता है। तभी तयंग उसके मुंह में जीभ डाल देता है। तयंग के हाथ जोंगकुक के छाती पर चला गया और इसे धीरे धीरे मालिश देना शुरू कर दिया। जोंगकुक खुद को आज़ाद करने के लिए संघर्ष करने लगता है। तयंग जोंगकुक के नीचे छूते ही जोंगकुक के शरीर कांप उठता है। जोंगकुक कहता है, नहीं रुको। तयंग कहता है, अगर मैं रुक गया तो प्यार कैसे करूँगा, ऐसे ही प्यार किया जाता है बेबी। जोंगकुक कहता है, वो डॉक्टर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तयंग कहता है, मैं इसे ठीक कर दूँगा। जोंगकुक कहता है, जल्दी से ठीक कर दो ना डॉक्टर। तयंग कहता है, बेबी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जोंगकुक कहता है, तयंग कहता है, ओके मैं अंदर से इसका मालिश कर देता हूँ। जोंगकुक कहता है, वो कैसे। तयंग कहता है, ओके बेबी अब मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराऊँगा, ठीक है, अच्छा महसूस कराओ। तयंग जोंगकुक को अपने चीज़ शो करते हुए कहता है, बेबी अब मैं इसे यहाँ डालने वाला हूँ। जोंगकुक अपने नीचे देखता है और कन्फ्यूजली अपने पलके झपकाने लगता है। जोंगकुक कहता है, यहाँ डालोगे। तयंग कहता है, बेबी इसके लिए तुम्हें अपने टांगों को इस तरह नहीं रखना है, इसे अलग कर दो, ओके। जोंगकुक कहता है, ऐसा करना है। तयंग कहता है, हाँ बिल्कुल बेबी, अगर तुम चाहो तो तुम इसे मेरे कंधों पर भी रख सकते हो। जोंगकुक कहता है, ओके डॉक्टर। तयंग कहता है, बेबी जस्ट ट्रस्ट मी, ओके पहले तुम्हें थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में तुम अच्छा महसूस करोगे। जोंगकुक कहता है, ओके ट्रस्ट यू तेई। देन कुकी स्माइल वाइडली। तयंग जोंगकुक के फोरहेड को लेकर ज़रा भी परेशान नहीं है, क्योंकि तयंग खुद एक डॉक्टर है और तो और उसे ये भी पता है कि जोंगकुक अब 18 साल का हो चुका है। 2 दिन पहले ही जोंगकुक 18 साल का हुआ है। जोंगकुक के दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसका शरीर प्रेगनेंसी फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तयंग 2 हफ्तों से एवरीडे जोंगकुक के साथ शारीरिक संपर्क करता है ताकि जोंगकुक जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाए। कुछ ही हफ्तों के बाद जोंगकुक प्रेग्नेंट हो जाता है। जोंगकुक 9 महीनों के बाद एक बेबी बॉय का जन्म देता है। तयंग खुशी से रोने लगता है। प्रेगनेंसी के समय तयंग उसका बहुत ही ध्यान रखा, उसे किसी भी तरह के तकलीफ नहीं होने दिया। इन 9 महीनों में तयंग जोंगकुक के हर डिमांड को पूरा किया, हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। तयंग अपने सन का नाम तेकुक रखता है।
तैकुक कम्प्लीटली तैयांग के तरह ही देखता है। उसका सिर्फ नोस जोंगकुक के तरह है। जोंगकुक के लिए बेबी का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो खुद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। जोंगकुक बीच में अपने ही सन को मारने की कोशिश किया था, इसलिए तैयांग अपने सन के ध्यान रखने के लिए एक दूधमा रख लिया ताकि दूधमा तैकुक के ख्याल रखे और उसे फीड कराए। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया तैकुक उसका सन है। जोंगकुक अब धीरे धीरे बदलने लगा था। तैयांग तैकुक को अपने गोद में लेकर एक हाथ से जोंगकुक के बाहें थामकर उसे अपने करीब खींचकर उसे चूमते हुए कहता है, माय लव इज फॉर यू इज शीनफुल एस आई एम ए शीनर। जोंगकुक कहता है, इसका क्या मतलब है डॉक्टर तेई? तैयांग कहता है, कॉल मी डैडी बेबी बॉय, फॉर यू आई एम योर डैडी। जोंगकुक तैयांग के बातों पर सिर हिलाकर धीरे से विस्पर करके कहता है, डैडी। उसके बाद गीगल करने लगता है। तैयांग कहता है, बेबी डू यू लव मी? जोंगकुक लिप से पाउट करके कहता है, लव यू तेई, डॉक्टर तेई आई लव यू, उप्स सॉरी डैडी आई लव यू। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।